वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करेंगे कैसे आपको अपना डोमेन ट्रीट करना है क्लाउडफ्लेयर से। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैंने कई लोगों के वीडियोस में कमेंट्स पढ़े थे कि हमारी वीडियोस हमारा क्लाउडफ्लेयर अकाउंट चल नहीं रहा है, या हमारे में एरर आ रही है 5.2 या 5.0, कईयों को HTTP दिखा रहा है। तो बहुत लोगों को एरर्स आ रही थी, मैं कई वीडियोज़ में चेक किया तो उन्होंने कमेंट किया था, उनको रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो इस चक्कर में ये वीडियो बनाई है जिससे क्या आप अपना डोमेन डिलीट करें, उसके बाद जो मैंने वीडियो बनाई है उसको कंप्लीट देखें, कैसे आपको वन बाय वन स्टेप चेक करें कैसे कैसे करना है। वो कंप्लीट वीडियो है, आपको क्लाउडफ्लेयर अकाउंट में अकाउंट क्रिएट करके डायरेक्टली अपना डोमेन में HTTPS करने के लिए। अगर आपको कोई इशू आ रहा था वो वीडियो ज़रूर देखना। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसको अपना डोमेन डिलीट करना है क्लाउडफ्लेयर में से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। आपको जाना है अपने डोमेन में। डोमेन ओपन करने के बाद आपको जाना है अपने DNS में। DNS में एक बार हम चेक कर लेते हैं सब रिकॉर्ड्स, और हमारा क्या जो सर्वर है ये हमने पार्क किया हुआ, ये हमारा जो क्लाउड वो है नेम सर्वर, और ये हमारे DNS है। हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। अब आपको सिंपली जाना है अपने ओवरव्यूज़ में। ओवरव्यूज़ में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सबसे आखिरी में, मैं दिखा देता हूँ आपको, रिमूव साइट फ्रॉम क्लाउड फ्लेयर। अब यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा कंफर्म के लिए। अब यहाँ से इस पर कंफर्म कर दीजिए, आपकी साइट हमेशा के लिए हट जाएगी क्लाउड फ्लेयर से। अगर आपको दोबारा करनी है तो आप ऐड साइट कर सकते हैं, नहीं तो आपका हो चुका है क्लाउड फ्लेयर से डिलीट। अगर आपको कोई भी एरर आता है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्लाउड फ्लेयर में अकाउंट क्रिएट करने में, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिससे मैंने पूरा कंप्लीट बताया कि आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे उसमें अपनी साइट को डालना है। तो वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।